तो रिलेशन बिटवीन एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है? जो एएमयू है वो मास के यूनिट है, एक बात को समझो। तो जो एएमयू है, जो एक एएमयू होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या बनेगी वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगा देना, मास आपको एएमयू में गिवन है उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, और सी का स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जूल में आंसर आएगा, और इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से डिवाइड करेंगे तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना 1 एएमयू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत बढ़िया कन्वर्जन है और बहुत काम की कन्वर्जन भी है, ये क्लियर है। बाकी इसमें आइसोटोप्स हमें पता है क्या होते हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। आइसोबार्स हमें पता है, आइसोटोन्स हमें पता है, इसकी जरूरत नहीं है, राइट।